दोस्तों ये कहानी है डेरेन नाम के एक ऐसे लड़के की जिसका आज फ्यूनरल है, जहां उसकी मौत पर उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा दुखी हैं। लेकिन उसी वक्त हम कॉफिन में देखते हैं कि डेरेन तो अभी जिंदा है और इतना ही नहीं वो बड़े मजे से कॉफिन के अंदर वीडियो गेम खेल रहा है। उसे कुछ भी नहीं पता कि बाहर उसे जमीन में मरा हुआ समझकर जिंदा दफनाया जा रहा है। लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, चलिए जानते हैं आखिर पूरी बात क्या है। लेकिन इस कहानी को जानने से पहले हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा, जहां पर हम देखते हैं कि डेरेन की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। वो अपने स्कूल में काफी पॉपुलर है और उसके अच्छे दोस्त भी हैं। साथ ही पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स को उस पर प्राउड है। उसके अलावा डेरेन के बचपन का एक दोस्त है जिसका नाम स्टीव है, जो कि डेरेन का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ उसकी लाइफ का एक नेगेटिव पार्ट भी है। एक दिन डेरेन और स्टीव स्कूल जाते हैं, जहां स्टीव डेरेन को क्लास बंक करने के लिए मना लेता है, जिससे दोनों स्कूल की छत पर चले जाते हैं, जहां स्टीव पत्थर से स्कूल के बल्ब्स को तोड़ने लगता है और फिर डेरेन को भी ऐसा करने के लिए चैलेंज देता है। तभी क्लास में टीचर को छत से उन दोनों की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण वो पकड़े जाते हैं और उनकी इस हरकत के बारे में उनके पेरेंट्स को बता दिया जाता है। अब क्योंकि डेरेन के पेरेंट्स उसे हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट मानते थे, इसलिए वो डेरेन के घर आने पर उसे डांट लगाते हैं और उसे स्टीव के साथ दोस्ती तोड़ने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टीव की संगत से डेरेन भी उसी की तरह बुरा स्टूडेंट बनता जा रहा है। अब अगले दिन स्कूल जाते वक्त डेरेन स्टीव से कहता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूं। ये सुनकर स्टीव दुखी हो जाता है और डेरेन से कहता है कि तुम कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। इस बात पर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी उनके पास से एक कार गुजरती है, जिसके अंदर बैठा हुआ आदमी उनकी ओर एक पोस्टर फेंकता है, जिससे डेरेन और स्टीव उस पोस्टर को उठाकर पढ़ने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके शहर में आज रात फ्रीक शो नाम का सर्कस होने वाला है। इसलिए वो दोनों रात को सर्कस में जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम क्लास में डेरेन को देखते हैं, जो अपनी बुक में उस सर्कस वाले पोस्टर को रखकर पढ़ रहा होता है कि तभी टीचर उनके पास आते हैं और उससे पोस्टर छीन लेते हैं। यहाँ टीचर पूरी क्लास को सर्कस वाला पोस्टर दिखाते हुए सबको वार्निंग देते हैं कि कोई भी सर्कस को देखने न जाए, क्योंकि ये सर्कस इलीगल चीजों को दिखाता है। लेकिन डेरेन और स्टीव अपने टीचर की इस बात को नहीं मानते और रात में चुपके से सर्कस देखने चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों को अजीब चीजें पसंद हैं, जैसे कि डेरेन मकड़ियों का बहुत बड़ा फैन है, जबकि स्टीव को वैम्पायर्स पसंद है और वो हमेशा उनके बारे में ही सोचता रहता है। वेल, ये दोनों सर्कस में पहुंच जाते हैं और शो देखने के लिए टिकट खरीदते हैं, जहां पर्दे के पीछे छिपा हुआ एक बौना इंसान उन्हें टिकट देता है, लेकिन ये इंसान एक क्रीचर की तरह दिखाई दे रहा था। तभी स्टीव उस इंसान को अपना हाथ दिखाता है, जिस पर वो इंसान स्टीव के हाथ में काट लेता है और वहां से भाग जाता है। खैर, दोनों ही इस घटना को भूलकर सर्कस के अंदर चले जाते हैं, जहां शो का होस्ट मिस्टर टॉल स्टेज पर आता है और स्टेज पर पहले कलाकार को बुलाता है। ये पहला कलाकार एक वुल्फ मैन था, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी मिस्टर टॉल उस वुल्फ मैन को ऑडियंस में बैठी एक लेडी की ओर इशारा करता है, जिससे वुल्फ मैन उस लेडी के पास जाता है और उसके हाथों को बुरी तरह से काट देता है। ये देखकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद उस लेडी के हाथ वापस से सही होने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और वो लेडी स्टेज पर चली जाती है, जहां मिस्टर टॉल उस लेडी का नाम कॉर्मा बताते हुए कहता है कि ये लड़की हमारे शो की मेंबर है। इसके बाद स्टेज पर अलेक्जेंडर नाम का तीसरा कलाकार आता है, जिसकी बॉडी में एक भी रिब्स नहीं थी। अलेक्जेंडर के बाद वहां गर्था नाम की लड़की आती है, जिसके पास मजबूत दांत थे, जिनसे वो कुछ भी तोड़ सकती थी। गर्था के बाद रामस नाम का कलाकार आता है, जिसके दो पेट होते हैं, जिनकी मदद से वो कुछ भी खा सकता है। यहाँ पर रामस तीन पहिए वाली साइकिल को खाकर अपना टैलेंट दिखाता है और फिर उसे एक टुकड़े जैसा बनाकर थूक देता है। इसके बाद मैडम चुस्का नाम की एक खूबसूरत लेडी स्टेज पर आती है और डेरेन को स्टेज पर बुलाती है, जहां वो डेरेन से कहती है कि मैं अपना मैजिक दिखाने के लिए तुम्हें असिस्टेंट बनाना चाहती हूं, जिसके लिए डेरेन मान जाता है। पर जैसे ही मैडम चुस्का डेरेन के चेहरे को छूती है, तो उसे डेरेन का फ्यूचर दिखने लगता है, जिसमें उसे काफी भयानक चीजें दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और डेरेन से दूर हट जाती है। तभी मैडम चुस्का के फेस पर अचानक से बाल आने लगते हैं, जिन्हें वो जल्दी से काटने लगती है और वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है। इस मैजिक को देखकर ऑडियंस काफी एंजॉय करती है और उसके लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। मैडम चुस्का डेरेन के फ्यूचर को देखने के बाद इतनी डर गई थी कि वो सर्कस के लीडर लार्टन को शो बंद करने को कहती है। मैडम चुस्का डेरेन से इतना क्यों डर रही थी, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ मैडम चुस्का के बार बार बोलने पर भी लार्टन उसकी बात नहीं मानता और स्टेज पर आकर अपना मैजिक दिखाना शुरू कर देता है। लार्टन स्टेज पर अपनी साथी मकड़ी को लाया था, जिसका नाम
ऑक्टा था। यहाँ लार्टन एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए डांस करने लगता है, जिसके साथ ऑक्टा भी डांस करने लगती है। इसी दौरान स्टीव लार्टन को पहचान जाता है कि वो एक वैम्पायर है। असल में स्टीव ने एक बुक में लार्टन के बारे में पढ़ा था। तभी स्टीव डैरन को बताता है कि लार्टन एक वैम्पायर है और उसका असली नाम वर है। इसी बीच स्टीव और डैरन के टीचर पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और शो को बंद करवाने लगते हैं। ये दोनों टीचर से छुपने के लिए बैक स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ मौका देखकर डैरन लार्टन के रूम से ऑक्टा को चुरा लेता है, क्योंकि पहली नजर में ही उसे ऑक्टा पसंद आ गई थी। डैरन ऑक्टा को लेकर रूम से जा ही रहा था कि तभी उसे लार्टन के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से रूम में छुप जाता है। यहाँ लार्टन एक बूढ़े आदमी के साथ अंदर आता है, जो कि लार्टन से वैम्पांजी के बारे में बात कर रहा होता है। असल में वैम्पांजी हाइब्रिड वैम्पायर थे, जो कि लोगों का ब्लड पीने के लिए उन्हें जान से मार डालते हैं, जबकि लार्टन ऐसा वैम्पायर है जो कि सिर्फ लोगों को बेहोश करके उनका ब्लड पीता है। इसी दौरान स्टीव वहाँ आता है और लार्टन से कहता है कि उसे भी वैम्पायर बनना है। यहाँ स्टीव का कहना था कि वो अपनी जिंदगी से नफरत करता है क्योंकि वो अकेला है। असल में स्टीव के पिता बहुत पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से उसकी माँ एक शराबी बन गई थी। तब से ही वो हमेशा के लिए अकेला हो गया था। स्टीव के बार बार रिक्वेस्ट करने पर लार्टन उसे वैम्पायर बनाने के लिए मान जाता है, पर सबसे पहले वो स्टीव का ब्लड टेस्ट करने को कहता है। जैसे ही लार्टन स्टीव के ब्लड को अपने मुंह में डालता है तो उसे पता चल जाता है कि स्टीव के अंदर बहुत बुराइयां हैं, यानी कि अगर उसने स्टीव को वैम्पायर बना दिया तो वो बहुत बुरा वैम्पायर बनेगा और लोगों को मारने लगेगा। इसीलिए लार्टन उसे वैम्पायर बनाने से मना कर देता है। इस बात से स्टीव को बहुत गुस्सा आता है और वो लार्टन को भला बुरा बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लार्टन को पता चलता है कि उसकी मकड़ी ऑक्टा बॉक्स में नहीं है, इसीलिए वो ऑक्टा को ढूंढने लगता है। ये देखकर डैरन काफी घबरा जाता है और लार्टन से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। डैरन भागते भागते सड़क पर पहुँच जाता है, जिस दौरान एक कार वहाँ आती है जिसमें बैठे दो लोग डैरन को पकड़ लेते हैं। ये वही कार थी जिससे एक आदमी ने सर्कस का पोस्टर फेंका था। इस कार के अंदर मर्लॉग और मिस्टर टिनी नाम के दो आदमियों को दिखाया जाता है। इन दोनों के डैरन से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उन्होंने गलत लड़के को किडनैप कर लिया है। असल में वो डैरन के दोस्त स्टीव को एक मकसद के लिए ढूंढ रहे थे। इसके बाद वो दोनों डैरन को कुछ बताए बिना ही उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देते हैं। अगले दिन डैरन ऑक्टा को अपने बैग में रखकर स्कूल ले जाता है, जहां स्टीव ऑक्टा को देख लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी गलती से उसके हाथ से पिंजरा गिर जाता है और ऑक्टा वहां से भागने लगती है। ये देख डैरन ऑक्टा को पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि स्टीव उसे मारने के इरादे से उसका पीछा करता है। ऑक्टा भागते भागते हॉल में आ जाती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स बुरी तरह डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद ऑक्टा एक खिड़की से बाहर भागने की सोचती है, पर भागने से पहले वो स्टीव के गाल पर काट लेती है, जिस वजह से स्टीव फर्श पर गिर जाता है और मकड़ी के जहर के कारण बेहोश हो जाता है। इसके बाद डैरन लार्टन के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर स्टीव की जान बचाने को कहता है। लार्टन शुरू में उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब डैरन उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है तब लार्टन एक शर्त पर उसकी मदद करने का कहता है। वो अपनी शर्त बताता है कि डैरन को उसका वैम्पायर असिस्टेंट बनना होगा, यानी कि उसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपनी पूरी सोशल लाइफ को छोड़ना होगा। डैरन सिर्फ स्टीव को बचाना चाहता था, इसलिए वो लार्टन की शर्त मान लेता है, जिसके बाद लार्टन डैरन के हाथ में नेल्स चुभाता है और उसके ब्लड में वैम्पायर ब्लड को मिक्स कर देता है, जिससे डैरन हाफ वैम्पायर में बदल जाता है। जिसके बाद डैरन लार्टन को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां लार्टन एक एंटीडोट स्टीव की बॉडी में डाल देता है, जिससे स्टीव ठीक होने लगता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डैरन के हाफ वैम्पायर बन जाने से उसे कच्चा मांस खाने का मन हो रहा था। इसी तरह एक दिन उसे अपनी बहन का खून चूसने की इच्छा होती है, पर वो किसी तरह खुद पर कंट्रोल करता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहां वो लार्टन को देखता है। असल में लार्टन डैरन को वार्निंग देने आया था। वो कहता है कि तुम्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी फैमिली के लिए खतरा बन सकते हो, लेकिन डैरन ऐसा करना नहीं चाहता था। पर तभी उसे ध्यान आता है कि वो थोड़ी देर पहले ही अपनी बहन का ब्लड पीने का सोच रहा था, इसलिए वो अपनी फैमिली को छोड़ने का फैसला कर लेता है। यहाँ उसे डर था कि अगर वो अचानक से गायब हो गया तो उसके पेरेंट्स को उसकी हमेशा चिंता रहेगी। डैरन लार्टन से कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए मरना होगा, जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। उसी रात लार्टन डैरन के पास आता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे घर से नीचे गिरा देता है। लार्टन ने उसे इस तरह मारा था कि वो सबकी नजरों में मरा हुआ दिखाई दे। यहाँ से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डैरन का फ्यूनरल चल रहा था, जबकि डैरन कॉफिन में जिंदा लेटा हुआ था। फ्यूनरल वाली रात को लार्टन डैरन की कब्र खोदता है और उसे बाहर निकाल लेता है, जिस दौरान मर्लॉग वहाँ आ जाता है, जो कि वैम्पांजी का लीडर था। वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन लार्टन उसे चकमा दे देता है और डैरन को लेकर भाग जाता है। इस बीच स्टीव को देखते हैं, जो डैरन की मौत से बहुत दुखी था। वो डैरन को बहुत मिस कर रहा था। स्टीव का सिर्फ एक दोस्त था, जिसके जाने के
के बाद वो पूरी तरह अकेला हो चुका था, इसलिए एक दिन वो सुसाइड करने का सोचता है। स्टीव जैसे ही छत से कूदने वाला होता है तभी वहाँ मिस्टर टाइनी आता है जो उसे सुसाइड करने से रोक लेता है। यहाँ टाइनी स्टीव को बताता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे वैम्पायर बनने के सपने के बारे में जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वैम्पांजी बनने का मौका दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मर्लॉक के साथ साथ टिनी भी वैम्पांजी है। टिनी उसे डैरन की सच्चाई बताता है कि डैरन अभी जिंदा है और वो अब वैम्पायर बन चुका है। इसके अलावा टिनी स्टीव को डैरन के खिलाफ भड़काने लगता है कि वैम्पायर बनना तुम्हारा सपना था लेकिन डैरन ने तुम्हारा सपना चुरा लिया। सब कुछ जानने के बाद स्टीव को डैरन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो टिनी का ऑफर मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। इस बीच डैरन को देखते हैं जो धीरे धीरे सर्कस में मौजूद दूसरे लोगों के साथ दोस्ती कर रहा था, साथ ही दूसरों की मदद करते हुए वो खुद को ट्रेन करने लगता है। पर उसे अपनी फैमिली और स्टीव की बहुत याद आती थी, इसलिए वो अपने फोन में उनके फोटोज देखने लगता है। फोटोज को देखकर डैरन बहुत इमोशनल हो जाता है और स्टीव को कॉल करने लगता है। तभी वहाँ लार्टन आ जाता है और डैरन का फोन छीनकर उसे तोड़ देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डैरन की सच्चाई किसी को पता चले। इसी दौरान वहाँ मिस्टर टिनी आता है, वो यहाँ डैरन के बारे में बात करने आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि डैरन के पास जन्म से ही कोई स्पेशल पावर्स हैं, इसीलिए मिस्टर टिनी उसे अपने साथ रखना चाहता था। जब टिनी लार्टन से डैरन को मांगता है तब मिस्टर टॉल उसे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। टिनी के जाने के बाद लार्टन डैरन से कहता है कि तुम सर्कस से बाहर मत निकलना क्योंकि वैम्पांजी से तुम्हें खतरा हो सकता है। इसके बाद लार्टन डैरन को ट्रेन करना शुरू करता है ताकि वो अपने आप की सुरक्षा कर सके। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद डैरन की स्किल्स और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरी ओर मर्लॉक स्टीव को वैम्पांजी में बदल देता है जिससे स्टीव के पास इविल पावर्स आ जाती हैं और वो एक शैतान में बदल जाता है। स्टीव सबसे पहले अपने स्कूल टीचर का शिकार करता है और उन्हें जान से मार डालता है। इस बीच डैरन को देखते हैं जिसे बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए लार्टन उसे पास के एक खेत में ले जाता है और एक आदमी को बेहोश करके डैरन को उसका ब्लड पीने को कहता है। अब क्योंकि डैरन का दिल बहुत साफ है इसलिए वो भूखा होने के बावजूद भी उस आदमी का ब्लड नहीं पीता है। वो दोनों वापस अपने सर्कस में लौट आते हैं जहां अचानक से वैम्पांजी का ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है और फिर दोनों ग्रुप्स के बीच खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। असल में वैम्पांजी डैरन की तलाश में आए थे। तभी एक वैम्पांजी को डैरन मिल जाता है जो कि सर्कस में रहने वाली लड़की रेबेका के साथ एक रूम में छुपा हुआ था। यहाँ वैम्पांजी और डैरन के बीच लड़ाई होती है जिस दौरान लार्टन और मिस्टर टॉल अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाते हैं और डैरन को वैम्पांजी से बचा लेते हैं। इसके बाद सभी वैम्पांजी वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद डैरन और लार्टन को पता चलता है कि मर्लॉक ने रेबेका को किडनैप कर लिया है। अगली सुबह डैरन उसे खोजने के लिए अकेला ही निकल जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इस बीच मिस्टर टिनी डैरन को अपने जाल में फंसाने के लिए उसकी फैमिली को किडनैप कर लेता है। इधर डैरन को देखते हैं जो अपनी फैमिली को एक बार देखने के लिए घर में जाता है मगर उसका घर पूरा खाली था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पोस्टर पर जाती है जिस पर टिनी ने लिखा था कि वो सर्कस में उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ लार्टन भी वैम्पांजी से लड़ाई करने का फैसला करता है और अपने वेपन्स को इकट्ठा करने लगता है जिसके बाद डैरन सर्कस में आ जाता है जहाँ वो रेबेका और अपनी फैमिली को दीवार पर लटका हुआ देखता है। यहाँ स्टीव को वैम्पांजी के साथ देखकर डैरन समझ जाता है कि वो वैम्पांजी बन चुका है, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के स्टीव पर हमला कर देता है। इसी दौरान लार्टन भी आ जाता है और मर्लॉक के साथ लड़ाई करने लगता है। अब क्योंकि डैरन ने ब्लड नहीं पिया था इसलिए वो बहुत कमजोर हो जाता है और स्टीव से हारने लगता है। तभी रेबेका खुद को आजाद करती है और डैरन को उसका ब्लड पीने को कहती है ताकि डैरन के पास फिर से पावर आ सके, लेकिन डैरन उसका ब्लड पीने से मना कर देता है। तब रेबेका उसे समझाती है कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर डैरन उसका ब्लड पीने लगता है। दूसरी ओर लार्टन बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था लेकिन वो हार नहीं मानता है और लड़ाई करते हुए वो मर्लॉक के दिल में चाकू मार देता है जिससे मर्लॉक की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर डैरन अपनी पावर लौटने के बाद स्टीव से लड़ना शुरू करता है। तभी मिस्टर टिनी वहां आता है और उन्हें लड़ने से रोक देता है जिसके बाद मिस्टर टिनी अपनी स्पेशल पावर्स का यूज करके मर्लॉक को जिंदा करता है और उसे एक क्रीचर में बदल देता है। मिस्टर टिनी दोनों लड़कों को अपने साथ चलने को कहता है जिस पर डैरन उसके साथ आने से मना कर देता है, लेकिन स्टीव बुराई का रास्ता चुनता है और मिस्टर टिनी के साथ जाने लगता है। दोनों के जाने के बाद लार्टन डैरन की फैमिली को हिप्नोटाइज करके उनकी अभी वाली याददाश्त को मिटा देता है जिससे वो सभी इस घटना को भूल जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डैरन सर्कस में वापस आ जाता है जिसे देखकर सर्कस के सभी मेंबर्स उसका वेलकम करते हैं और उसे घर जैसा महसूस कराते हैं। इसी के साथ ही अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।